जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जिला अस्पताल शोपिया से 18 से अधिक कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रस्त रोगियों ने कोरोना वायरस को मात दे दी है, जिसके चलते आज उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर शोपिया ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शोपिया ने मरीजों को छुट्टी देते हुए मरीजों का उत्साहवर्धन किया, साथ ही जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की प्रशंसा भी की, जिन्होंने इस समय में महामारी में काम किया है। इस दौरान मरीजों को सम्मानित भी किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पिछले दो दिनों में एक साथ 18 लोग रिकवर हो चुके हैं, इनमें से एक 3 महीने का बच्चा और 11 वर्ष का बच्चा भी शामिल है। मरीजों के ठीक होने से श्रीनगर में खुशी का माहौल है। वहीं डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कोरोना से हमें घबराना नहीं चाहिए, बस इसके प्रति जागरूक और सावधान रहना चाहिए। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। आज ज़िला शोपियान के कोविड के खिलाफ जंग है, उसमें एक बहुत अहम कामयाबी हमें मिली है। हमारे पिछले दो दिनों में एक साथ 18 लोग रिकवर हो चुके हैं, और मुझे ये बताते भी खुशी हो रही है कि हाल ही में हमारे दो इधर इन्फेंट केसेस थे, बेबीज़ थे, एक 11 महीने की बच्ची, एक 3 महीने की बच्ची, जिन दोनों ने इस कोविड को ये से रिकवरी हासिल की। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।